अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और मॉडर्न कनेक्टिविटी को बढ़ावा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से विकास की ये यात्रा दिन रात जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। तेजी से विकसित होने की ओर कदम बढ़ा रहे भारत की इस यात्रा का मध्य प्रदेश भी अहम भागीदार है, जहां कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 3 रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है 288 किलोमीटर बीना से कोटा रेल लाइन डबलिंग का कार्य। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति तीव्र गति से होगी और लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही शिलान्यास हो रहा है 4 लेन मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया खंड सड़क के निर्माण कार्य का। इससे राजधानी भोपाल से सागर तक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगी और यात्रा का समय लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। हिनोतिया महलुआ सड़क खंड के 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हो रहा है, जिससे भोपाल से अशोकनगर, चंदेरी एवं झांसी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वालों का समय बचेगा, सहूलियत बढ़ेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थलों जैसे उदयगिरी गुफाओं वाले मंदिरों, सांची के बौद्ध स्तूप तक पहुंच सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, चंदेरी सिल्क जैसे उद्योग एवं जनजातीय कला को देश भर के बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृतकाल में डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समृद्धि और अनवरत सर्वस्पर्शी सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।